नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी पुरानी गाड़ी लेते हैं, तो अगर कई डीलर से लेते हैं या फिर किसी नॉन से लेते हैं, अननोन बंदे से लेते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस आपको अपनाना चाहिए, उससे आपकी गाड़ी आप कहीं धोखाधड़ी के अंदर न फंस जाए। तो दोस्तों, वीडियो को है वो पूरा एंड तक देखना और आप समझना कि अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर आपको लगे कि गलत है तो मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इंटीरियर से चेक करना होता है कि हमारी गाड़ी है कहीं एक्सीडेंटल है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ग्लास चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये 2013 मॉडल i10 है, तो इसके अंदर यहाँ पे BD लिखा हुआ है। अगर इसके एक जगह पे BD लिखा हुआ है तो इसके सारे शीशों पे BD लिखा हुआ होगा। अगर कहीं पे भी BD के अलावा या फिर कोई सन लिखा होगा तो वो उस गाड़ी का कोड होगा कि कोई कोड है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारी जगह BD लिखा हुआ है, ये BD है। तो ये चीज़ आपको सारे शीशों पे मिलेगी। अगर कोई भी शीशा चेंज हुआ होगा तो वो कोड मैच नहीं होगा। ये देखिए, यहाँ पे भी BD लिखा हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे भी BD लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे भी BD लिखा हुआ है। मैंने चारों शीशों पे आपको दिखा दिया है, BD लिखा हुआ मिलेगा। अगर कोई भी शीशा चेंज हुआ है तो वहाँ पे आपको कोड है वो दूसरा लिखा होगा। इसके BD के साथ में यहाँ पे कई बार सन भी लिखा होता है। कई बार क्या होता है, गाड़ी है वो स्क्रैच वगैरह आते हैं, बम्पर टूटा होता है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए। ये चीज़ें हैं प्लास्टिक का होता है या फिर गाड़ी के ऊपर साइड में जैसे स्क्रैच है, ये चीज़ें इनको इग्नोर कीजिए। अगर आपको पता लग जाएगा, और वैसे कलर वगैरह से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी की क्या कंडीशन है कलर से। और ये जो स्क्रैच है, और ये तो सिटी के अंदर और जनरली लगते हैं, तो इन चीज़ों को, ये जैसे टूटा हुआ है, इन चीज़ों को आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और अगर कहीं पे भी लाइट वगैरह है वो भी चेंज हुई हुई है या फिर टूटी हुई है, जैसे ये लाइट टूटी हुई है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो। एक बार इस चीज़ को सीरियसली लेने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप हमें गाड़ी वो पुरानी या नई खरीदनी होती है, इस चीज़ को एक बार देख लीजिए। अगर आपको सही लगता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज, क्योंकि इस चीज़ को स्क्रैच से आप गाड़ी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिटी के अंदर चलते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, वहाँ पे स्क्रैच वगैरह लग जाते हैं। बट हम इंडियंस हैं, वो बहुत ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे कि स्क्रैच है या नहीं। दिखा देता हूँ कि सबसे जो नेक्स्ट पार्ट है वो है, आता है इंजन का पार्ट। तो इसके अंदर आप देख लीजिएगा, अगर आपकी गाड़ी कहीं पे भी एक्सीडेंटल होगी तो आपका ये जो चीज़ है, ये जो पट्टी देख रहे हो आप, ये कहीं ना कहीं से बैंड होगी या कहीं ना कहीं से टूटी हुई होगी। ये देखिए, ये पट्टी आप चेक कर लीजिए। और सेकंड चीज़ जो आप अंदर है, अंदर की साइड में आपको दिख रहा होगा, ये चीज़ें हैं हमेशा वो कलर चेंज हुआ होगा। अगर आपकी गाड़ी है कहीं से भी टूटी हुई है, तो ये अंदर का इस साइड का भी आपको कलर दिख रहा होगा, ये इसके अंदर कोटिंग हुई हुई होती है, एंटी रस्ट कोटिंग होती है, ये चीज़ें होती है। और जो नेक्स्ट चीज़ है इसके, ये है ना, जो इसकी देख लीजिए आप, ये कहीं से भी बैंड तो नहीं हुआ हुआ है या फिर कहीं इसका कलर तो नहीं उतरा हुआ है। ये देखिए, आप इसको चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें होती है मेन चेक करने वाली। इससे क्या होता है, गाड़ी अगर कहीं पे भी एक्सीडेंट हुई होगी या कहीं से भी ठुका हुआ होगा, तो ये चीज़ है वो आपकी बैंड हुई होगी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप गाड़ी कहीं से भी ठुकी हुई थी आपका जो, तो इसका जो ये पिलर होता है ये कहीं से भी बैंड हुआ हुआ नहीं लगता, आपको यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं वो चेक कर लेना आप अच्छे से। ये चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी है वो कहीं से भी ठुकी हुई नहीं है या डोर के अंदर कहीं कलर तो वो नहीं है। और सबसे अच्छा चीज़ है इसको चेक करने का, ये दोस्तों जो ए पिलर है, आप इसको उतारिए रबड़ को। ये देखिए, ये कहीं पे भी इसके ऊपर ये जो बेल्डिंग है ये कहीं कलर वगैरह फेड तो नहीं है या कलर दूसरा तो नहीं लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। अगर गाड़ी कहीं पर भी एक्सीडेंट हुई होगी तो ये चीज़ है वो दूसरा कलर हो जाएगा। इसको वापस लगा देता हूँ मैं, ये सेट कर दिया जाती है दोस्तों। बाहर से देखने की वो आती है टायर, देखिए इसके टायर है, हालांकि घंस चुके हैं। तो अगर आपको टायर मैटर करते हैं, अगर आप वैसे तो 10-12 हज़ार के खर्चा आता है, आप देख लीजिए टायर अगर नए टायर है तो कंपनी के है या नहीं, अदरवाइज पुराने हैं तो ठीक है, नए है तो उसको देख लीजिए। अगर क्वालिटी देखनी है तो देखिए, ये दोस्तों इसके अंदर जो ये होता है आप देख रहे होंगे, ये जो चीज़ होती है ये देख लेना कितनी घिसी हुई है। हालांकि ये टायर घिस चुका है, क्योंकि ये गाड़ी है वो 95,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, तो आप ये चीज़ देख लीजिए, ये टायर घिसा हुआ है, ठीक है। बट ऐसे टायर को आप चेक करना है कि इसके अंदर की जो ये बीच में जो स्पेस आता है उससे और ऊपर वाले जो गुट्टी सी होती है इसके बीच में कितना डिफरेंस है, वो चीज़ें आपको चेक करनी है। तो ये तो मैंने बताया आपको, गाड़ी के इंटीरियर से आपको कैसे एक्सीडेंटल है ये पता चलेगा। इसके बाद में आप इसके चलिए इंजन के ऊपर और आपका गाड़ी को थोड़ा सा चला के देखिए, और उसके बाद में जो इसका ऑयल वाला जो गेज है इसको निकालिए और इसको बाहर निकाल के देखिए कि यहाँ से कोई धुआं या नहीं आ रहा है, कहीं अजीब सी स्मेल तो नहीं आ रही है। अगर ऐसा आ रहा है तो आप समझ लीजिए गाड़ी है वो काम मांग रही है। तो दोस्तों, ये तो था इंजन का, और बाकी इंजन है वो स्टार्ट करके भी आप देख लेना कि इंजन के अंदर कोई वॉइस वगैरह है या नहीं। ये दिखा दिया, आप चलते हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर से बताता हूँ मैं आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, क्या क्या नहीं चेक करना है।
तो दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है, अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर और नेक्स्ट चीज़ आपको चेक करना है कि आपके कहीं डिजिटल मीटर में या इस मीटर के अंदर कहीं पे भी कोई अजीब सा सिग्नल तो नहीं आ रहा है। आप गाड़ी को चला के देखिए, उसके बाद में ये देखिए और देखिए कितने किलोमीटर चल चुकी है। और दूसरी चीज़, जब आप गाड़ी को चलाओगे दोस्तों तो इसके अंदर आप, जैसे मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करने से आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी के अंदर कोई, मैं एसी ऑफ करता हूँ, अब आप देखिए इसके अंदर कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है या ज़्यादा वाइब्रेशन तो नहीं कर रही है गाड़ी। आप इस चीज़ को देखिए, आप बिल्कुल शांत है, मैंने एसी ऑफ कर दिया है और ये बिल्कुल शांत है, इससे आपको इंजन की नॉइस का और पता चल जाएगा। सेकंड चीज़, आप इस गाड़ी को जब चलाओगे तो आपको जैसे ये सुई है, अगर ये एक अचानक हिलती हुई दिलती है, ये देखिए, ये अगर प्यार से आगे चलाता हूँ, देखिए आप, ये सुई जो है वो बड़े प्यार से आगे बढ़ती है। अगर ये ब्रेक आती है फिर वापस जाती है, इसका मतलब है आपका मीटर है वो टेम्पर्ड है। तो दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है, आपको गियर लीवर चेक करना है। आपको इससे भी पता चल जाए कि आपका कितना वो मीटर टेम्पर्ड है, क्योंकि इसके अंदर आपको गियर लीवर के अंदर ये जो नंबर है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कचरा फंसा हुआ है, तो इससे पता चलेगा कि आपका गियर लीवर अगर ज़्यादा घिसा हुआ है तो मतलब आपकी गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा चली हुई है, और अगर उसका मीटर है उसके हिसाब से नहीं दिख रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ है वो मीटर टेम्पर्ड की, आपको नीचे से भी पता चल जाएगा। ये है वो मीटर टेम्पर्ड की, आपको इससे भी पता चल जाएगा कि ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है और ये गियर है, इनके जो पेडल है वो ज़्यादा घिसे हुए तो नहीं है। ये गाड़ी है वो 94,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है, आप देख सकते हो, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 94,170 किलोमीटर चली हुई है, और इसके जो पेडल है वो बिल्कुल भी वो नहीं है, एकदम सही है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका मीटर टेम्पर्ड है या नहीं है। गियर लीवर है, आपको एक बार चेक करके देख लेना है कि गियर लीवर है, कहीं गियर फंस तो नहीं रहा है। आप एक चीज़ ये ध्यान रख लेना कि गियर कहीं फंस तो नहीं रहा है। आप इस चीज़ को एक एक करके आप लगा के देख सकते हो, गियर है वो बहुत स्मूथली काम करता है गाड़ियों के, ठीक है। दोस्तों इसके बाद में जो नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है इसका क्लच का और शॉकर का, सस्पेंशन का। तो दोस्तों अगर हमें क्लच चेक करना है गाड़ी का, तो गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और गियर है वो गाड़ी को पिक करके देखिए। गाड़ी को पहले गियर में नहीं करना, पिक करना, दूसरे गियर में नहीं करना, कम से कम इसको चौथे गियर में पिक करना है। देखिए मैंने चौथा गियर लगा लिया है, आपको फिर दिखा देता हूँ, ये दूसरा है और ये चौथा गियर है। और अब मैं गाड़ी को चला के दिखाता हूँ, अगर गाड़ी पिक कर जाती है, बंद नहीं होती है, तो मतलब आपका इसका जो क्लच है वो सही से काम करता है। देखिए गाड़ी चल गई है, आपको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, ये देखिए ये चौथा गियर है, ये चौथा गियर है मैंने लगाया, और गाड़ी को मैं अब पिक करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं चला के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गाड़ी चल चुकी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको, इससे क्लच प्लेट का है आपको पता चल जाएगा। ऐसे दोस्तों ऐसे ही आपको सस्पेंशन का पता चल जाएगा कि आप गाड़ी को चलाइए और आपको कहीं पे भी खड्डे और आते हैं, उसके अंदर कहीं गाड़ी के अंदर अजीब सी आवाज़ तो नहीं आ रही है, मतलब अचानक खड्डा आया और गाड़ी है वो नीचे पिचक गई, पूरे शॉकर है वो दोनों तरफ से पिचक गए, उससे क्या है ये गाड़ी है वो आवाज़ करेगी, और उससे आपको शॉकर का पता चल जाएगा और सस्पेंशन का पता चल जाएगा। और इसके लिए अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट लगता है, तो आप एक बार है वो एक इंजीनियर के पास जाके और पता कर सकते हो कि भाई मुझे इसको गाड़ी का शॉकर और सस्पेंशन देखना है कि कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि जो सस्पेंशन और शॉकर है दोस्तों गाड़ी के बहुत महंगे पार्ट हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। और ये सुई आप देख पा रहे होंगे, अगर ये सुई आपकी पीछे आती है बार बार, अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड में चलाते हैं स्टार्टिंग में, तो समझ लेना कि मीटर है वो टेम्पर्ड है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एसी, आप एसी भी चेक कर लीजिएगा कि आपकी एसी है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, अब मैं एसी ऑन कर देता हूँ, और देखिए इसकी कूलिंग से आपको पता चल जाएगा, आप 2 मिनट चला के देख लीजिए कि कैसी कूलिंग आ रही है। बहुत ही अच्छी कूलिंग दे रही है गाड़ी, अगर नहीं दे रही है तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो कि भाई इसकी एसी है वो सही से काम नहीं कर रही है या फिर कूलिंग कम दे रही है, तो उससे भी है वो आपको कुछ है वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपको पता भी चल जाएगी कैसी है कैसी नहीं है। उसके बाद में आपको फाइनली गाड़ी के अंदर इंजन चेक कर लिया है, गाड़ी का एक्सटीरियर चेक कर लिया है, तो आप गाड़ी का इंटीरियर देख लीजिए। वैसे इंटीरियर से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इंजन के ऊपर और, बट आप इंटीरियर देख लीजिए कि इंटीरियर का कहीं बुरा हाल तो नहीं है। तो ये भी गाड़ी के मैटर करता है, कहीं सीट कवर है और ये तो फटे नहीं है, वैसे इन चीज़ों का मैटर नहीं करता, 2-4 हज़ार के सीट कवर आने हैं, नए लगवा सकते हो, बट आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हो, ठीक है। आप बैक साइड से भी चेक कर सकते हो, आप पूरा चेक कर सकते हो इस चीज़ को। और दोस्तों साथ में स्टेपनिंग भी चेक कर लेना कि स्टेपनिंग गाड़ी के अंदर मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो दोस्तों ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया, इंटीरियर का बता दिया, एक्सटीरियर का बता दिया और इंजन चेक का बता दिया। इसके अलावा दोस्तों आपको एक काम करना है, आप गाड़ी के नंबर लीजिए, नोट कीजिए, और किसी भी जिस कंपनी की गाड़ी है उसके सर्विस सेंटर में जाइए या उसके शोरूम में जाइए, और वहाँ पे जाके उनसे थोड़ा पोलाइटली बात कीजिए कि भाई मुझे ये गाड़ी लेनी है, पुरानी गाड़ी है, इसका रिकॉर्ड निकाल के दे दो, तो वो आपको पूरा आपको सर्विस रिकॉर्ड निकाल के दे देगा।
आपको सर्विस सेंटर से पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, आप सर्विस सेंटर से निकाल सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हो तो आप मेजर पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट का, कि डॉक्यूमेंट हम बाद में देख लेंगे, बट दोस्तों डॉक्यूमेंट हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट ही चेक करनी है कि कौन सा ऑनर गाड़ी का है, गाड़ी कहीं चोरी की तो नहीं है। आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि गाड़ी का क्या रिकॉर्ड है, क्या कितने कोई वो एक्स्ट्रा उसका चलान वगैरह तो नहीं है, तो इन चीज़ों को चेक कर लीजिए। अगर कहीं एक्स्ट्रा चलान वगैरह है, पेंडिंग है, अगर कोई लाइसेंस या फिर गाड़ी के ऊपर कोई और चार्जेस लगे हुए हैं, तो उन चीज़ों को आप एक पहले ही ऑनर से क्लियर करवा लीजिए कि भाई ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप अच्छे से मार्केटिंग करोगे, कहीं गाड़ी खुली हुई है आपको या स्क्रैच लगता है या फिर ऐसे ऐसे काम नहीं करती, तो इन चीज़ों को आप देख ले सकते हो। इसके अलावा मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। आप सबसे पहले है वो फ्रंट से देखिए, फ्रंट की हेडलाइट वगैरह का ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप टूटी हुई है तो या फिर रिप्लेस हुई है तो आप उसका बोनेट खोलिए, उसकी पट्टी देखिए, आप साइड के ग्लास देखिए, साइड के ग्लास का रबड़ उतारिए, वहाँ से देखिए कहीं बैंड है या नहीं, क्योंकि जब भी गाड़ी एक्सीडेंट होगी तो या तो फ्रंट से बैंड होगी या फिर ये पिलर है वो बैंड होंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों का हमेशा आप ध्यान रखिए। और उसके अलावा आप इंटीरियर चेक कीजिए, आपका क्लच है, सस्पेंशन है, एसी है, वो चीज़ आप चेक कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था कुछ चेक्स जो आपको गाड़ी अगर पुरानी गाड़ी खरीदते हो तो आपको चेक करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों अगर कहीं पे भी पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ऐसे चल रहा था, गर्मी बहुत है। धन्यवाद दोस्तों।